नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम सभी जानते हैं हेपेटाइटिस बी के मरीज को खाने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण लीवर में सूजन और जलन पैदा होती है। हेपेटाइटिस बी HIV से अधिक खतरनाक है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी का बैक्टीरिया बॉडी के बाहर भी कम से कम 7 दिन तक जिंदा रह करके किसी हेल्दी इंसान को प्रभावित कर सकता है। हेपेटाइटिस के जितने भी वायरस मौजूद हैं, उनमें सबसे खतरनाक वायरस बी माना जाता है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या तो संक्रमित सुई या फिर असुरक्षित यौन संबंधों की वजह से फैल सकता है। यह वायरस ऐसा है कि इसे पूरी तरह से शरीर से खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, दवाइयों के जरिए जरूर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी हो जाने के दौरान मरीज को अपनी डाइट को लेकर के कुछ सावधानियां बरतनी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती हैं, इसलिए ताकि वो पूरे जीवन स्वस्थ रह सकें। क्या करें तो कॉफ़ी, जी हाँ, सबसे पहले इस बारे में जानते हैं। हेपेटाइटिस बी में कॉफ़ी बहुत असरकारक है। मरीज को दिन में 2 से 3 बार कॉफ़ी पीना चाहिए। जब तक शरीर में कॉफ़ी रहेगी, तब तक हेपेटाइटिस बी के वायरस का विकास नहीं हो सकेगा। इसके अलावा फल और सब्जी का अधिक मात्रा में सेवन हेपेटाइटिस बी में बहुत फायदेमंद होता है। फलों से मिलने वाला फाइबर और सब्जियों से पौष्टिक तत्व मरीज को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसीलिए फल और सब्जियों का तो चाहे कोई भी बीमारी हो शरीर की, या हेल्दी शरीर के लिए कहें तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, इनका सेवन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन युक्त आहार, जी हाँ, हेपेटाइटिस बी के मरीज को अपनी डाइट में प्रोटीन युक्त आहार को अवश्य शामिल करना चाहिए। प्रोटीन युक्त डाइट में सूखे मेवे, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप सभी कर सकते हैं। इसके अलावा खाने को लेकर के सजग रहना बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस बी में खाने को लेकर के सजग रहना चाहिए। चाहे तो मरीज एक से ज़्यादा बार में थोड़ा थोड़ा लेकर के खा लें। ऐसा करने से कमजोरी नहीं आती है। खाना एक बार में खाने के बजाय उसे कई बार में बांट करके खाएं। इसके अलावा अधिक पानी पीजिए। जी हाँ, हेपेटाइटिस बी के मरीज को अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। अधिक पानी पीने के चलते शरीर में तरलता बनी रहती है। इसके अलावा किन चीज़ों से बचना चाहिए, इस बारे में जानिए। फास्ट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों से परहेज करना चाहिए। मीठे पदार्थ से दूरी बना करके रखनी चाहिए। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी के लक्षण क्या है, ये जान लीजिए। कैसे पहचानेंगे इसे? तो जोड़ों में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है, उल्टी और कमजोरी का एहसास हो रहा है, समझिए आपको हेपेटाइटिस बी के लक्षण दिख रहे हैं। हमेशा थकान सी लगी रहती है, स्किन का रंग पीला हो जाता है और आँखों का सफ़ेद हिस्सा भी पीला पड़ने लगता है। बुखार आ जाता है और यूरिन का रंग भी गाढ़ा हो जाता है। भूख लगना कम हो जाता है, यानी कि आपको खाना खाने की इच्छा नहीं होती है जब हेपेटाइटिस बी हो जाता है। तो यह बहुत खतरनाक है, जानलेवा साबित हो सकता है अगर आप इसकी सही समय पर केयर नहीं करते हैं। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखें, खास करके खाने का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हेपेटाइटिस बी में। तो यह आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए, जो कि हेपेटाइटिस बी के कंट्रोल से रिलेटेड रहा। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक नई जानकारी को लेकर के। हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स के माध्यम से लिख भेजें। हम उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियो अवश्य बनाएंगे। मिलते हैं आप सभी से अब नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।